किसने किया यह दुस्साहस? सामग्री कौन लाया था? पूजा की जो सामग्री मैं लाई थी वो तो स्वयं आपने देखी थी। तो फिर ये कैसे संभव हुआ? किसने बदली सामग्री? मुझे उत्तर चाहिए। जिसके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसा निंदनीय कार्य तो केवल वही कर सकता है। कान्हा, ये आयन तो व्यर्थ ही तुम्हें फंसाने की चेष्टा कर रहा है। चेष्टा ही तो कर रहा है ना, करने दीजिए। ये आरोप लगाना अत्यंत सरल होता है, सिद्ध करना नहीं। और ये कुछ नहीं सिद्ध कर पाएगा। कुलपति जी, शांत हो जाइए। देखिए, मेरे विचार से यात्रा के समय किसी अन्य यात्री के साथ हमारी सामग्री बदल गई होगी, अन्यथा यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह का पाप करेगा। जो हुआ सो हुआ। हमें आगे ये सोचना चाहिए कि इंद्रदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए, ये पूजा संपन्न कैसे की जाए। पूर्ण तो बरसाना का समय हो गया है मित्र, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अब ये मत सोचो किस यज्ञ को कैसे पूर्ण करे, क्योंकि ये भंग हो चुका है। अब ये सोचो कि हम सब इंद्रदेव के प्रकोप से कैसे बचे। उग्रपद काका, आप निश्चिंत रहिए, इंद्रदेव कुपित नहीं होंगे। ये जो भी हुआ है किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। हम सभी यहाँ पे इंद्रदेव की पूजा करने के लिए ही तो एकत्रित हुए थे, उनका अपमान करने के लिए तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, बरसाना के ग्वाला नहीं कि तुम उन्हें मना लोगे। वे इंद्र हैं, रौद्र हैं, शक्तिशाली हैं, पर वे अवश्य कुपित होंगे। भला ऐसे कौन से देवता है उग्रपद काका जिनका अहंकार इतना बड़ा होगा कि वो अपने भक्त की भूल को भी क्षमा न कर सके। कृष्ण, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखो। ये मत भूलो कि तुम मेरे आराध्य इंद्रदेव के बारे में बात कर रहे हो। इस यज्ञ से पूर्व भी तुमने अशुभ बातें की थी और मेरे हाथ जोड़ के अनुरोध किया था सबसे कि कोई भी मेरे आराध्य का अपमान न करे, और वही हुआ। अगर ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कह। मेरे विचार से इस हवन कुंड को पुनः पवित्र करना होगा। कल एकादशी है, शुभ दिवस है। कल प्रातः यज्ञ पुनः आरंभ होगा। कृष्ण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हे इंद्रदेव, ये कैसा महापाप हो गया? कंस, मेरा यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा, बस एक छोटा सा विलंब हुआ है। परंतु आपकी पूजा में विघ्न, कहीं आपके सम्मान में विघ्न का कारण न बन जाए। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो उसे क्या दंड देते? इन सब के पीछे वो कृष्ण है इंद्रदेव। एक वही है जो आपकी भक्ति के विरुद्ध है। देवता को सबसे प्रिय होता है उसका मान, उसका सम्मान, उसकी भक्ति, जो आपसे वो कृष्ण छीन रहा। यदि मैं होता तो मैं उससे उसकी कोई प्रिय चीज छीन लेता। जैसे सुना है उस कृष्ण को पशु बहुत प्रिय है। यदि आपको उस कृष्ण के अहंकार को तोड़ना है तो आपको उसके समक्ष पशु बलि देनी होगी। पशु बलि? हाँ इंद्रदेव, बस यही एक उपाय है। यदि उस कृष्ण को देवताओं के मान का पाठ सिखाना है तो यदि आप दयावान बने तो इंद्रत्व खो देंगे। आपका सिंहासन आप पे चूक जाएगा इंद्रदेव। आज उस कृष्ण ने अपमान किया है, कल बरसाने का हर बच्चा आपका अपमान करेगा इंद्रदेव। कंस, मेरा सिंहासन मेरा अहंकार है कंस, इसे देवराज इंद्र से कोई नहीं छीन सकता। यदि पशु बलि ही लेनी है तो मैं पशु बलि लूंगा, अवश्य लूंगा पशु बलि। कैसा लगा था? अत्यंत स्वादिष्ट, और देखो अंततः मैंने सारा भोजन समाप्त कर ही दिया। अब तो डील है ना? ठीक है फिर।